यहाँ पर खेल के मैदानों से खबर आ रही है। एशिया कप के इफ्तिताही मैच के बाद पाकिस्तान और नेपाल की टीमें श्रीलंका रवाना हो चुकी हैं। जराए का बताना है कि बुध को एशिया कप 2023 के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को एकतरफा मुकाबले के बाद 238 रन से शिकस्त दी थी। मुल्तान में खेले गए एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया और नेपाल को जीतने के लिए 343 का पहाड़ जैसा हदफ फराहम किया। बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ वनडे करियर की 19वीं सेंचुरी स्कोर की और 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि इफ्तिखार अहमद 71 गेंदों पर 109 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर नाकाबले शिकस्त रहे। जवाब में मेहमान टीम 24वें ओवर में 104 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिताही मैच के बाद पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान से खसूसी परवाज से कोलंबो रवाना हो चुकी हैं। वादे रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का अहम मैच 2 सितम्बर को पालेकिले में जाएगा, जबकि नेपाल की टीमें 4 सितम्बर को भारत के मद्दे मुकाबिल होंगी।